चार पांच महीना खिचड़ी है। 14 जनवरी को यहाँ मेला लगता है मकर संक्रांति का। लाखों श्रद्धालु लोग दर्शन करने आते हैं। और ये सड़क इतना खराब है, सड़क खराब होने के कारण बहुत से लोग नहीं आते हैं गाड़ी। नमस्कार, ये मंदिर गोरखनाथ मंदिर जो है 2012 में बनकर के तैयार हुआ, यज्ञ हुआ था यहाँ। राजा 14 जनवरी को यहाँ मेला लगता है मकर संक्रांति का। लाखों श्रद्धालु लोग दर्शन करने आते हैं। और ये सड़क इतना खराब है, सड़क खराब होने के कारण बहुत से लोग नहीं आते हैं गाड़ी वगैरह सब। और श्रद्धालु है मकर संक्रांति खिचड़ी के दिन लाखों लोग आते हैं दर्शन करने। सड़क खराब होने के कारण यहाँ रोज डेली भीड़ नहीं लग पाता है। देखिए भक्सीपुर से आने में कितना कीचड़ है, और यह हर इंडिया से आने में बॉर्डर का दो दिन का मामला रहता है। यहाँ फोर्स लगी रहती है, पानी बॉर्डर में भरा रहता है, इसीलिए लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ पे। अगर रास्ता ये अच्छा रहता, बना हुआ होता, सब नेताओं का नज़र रहता, तो अधिक से अधिक लोग दर्शन करने रोज डेली आते। लेकिन इस रास्ता खराब है, किसी नेता का, किसी सर का इस नेपाल में इस मंदिर पर ध्यान नहीं रहता। हमारे परम पूज्य योगी जी महाराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहाँ पर विशेष योगदान है। उनका खेती बाड़ी है, उसके देख रेख करने वाले हम ही हैं। सब देख रेख खेती बाड़ी का और मंदिर का हम ही करते हैं। वो तो चाहते हैं कि यहाँ के नेता, मंत्री, सांसद, जो विधायक हैं, इस मंदिर में कुछ सहयोग करें, यहाँ पर निर्माण काम कुछ करावें, रास्ता बनवावें और धर्मशाला बनवावें। यही ये विधायक बैजनाथ जी बनवा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अगर कंडेल जी रहते तो हमारे मुख्यमंत्री जी उनसे बात किए थे यहाँ पर एक धर्मशाला बनवाने के लिए। सविता यज्ञ मन मना देवी।